से कश्मीर हमने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के लोगों को जोड़ने के लिए, सब धर्मों को, भाषाओं को, प्रदेशों को, जातों को एक साथ करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की और बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही। तो लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर, भैया इसको खींचिए मत प्लीज, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली मगर ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए, इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक अब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आप जानते हैं यह हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी शब्द का मतलब जानते हो? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं, अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए, आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। इसलिए हमने पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हमने आपको वापस देने की कोशिश की। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। आप जानते हो मणिपुर में हमने शुरू किया, आप जानते हो कि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया है, वहां पे महीनों से सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में जहां हम कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वहां पे उन्होंने अकॉर्ड करने का वायदा किया, 9 साल पहले किया, उसको पूरा नहीं किया। और यहां पे आप जानते हो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं, आप यहां आए, आपने इतने प्यार से हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बताइए 22 जनवरी की तिथि